ओके तो मेरा नाम है अमित खट्टर, हम करेंगे मास्टर कैंप 2023। इसके अंदर हमारे पास ये एक 2D ड्राइंग है जिसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे और उसके ऊपर मशीनिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बनाते हैं कुछ। यहाँ पे हमारे को ड्राइंग में गिवन है 100 बाय 150 का एक रेक्टेंगल, है ना? ठीक है तो हमारे को रेक्टेंगल बनाना आता है 100 बाय 150। 50। ठीक है, एंकर टू सेंटर कर सकते हैं। ओके, सेकंड चीज हमारे को दे रखी है एक सर्कल 50 का, 40 का और 20। एड इज डैमेज फिफ्टी 50। फिफ्टी हो गया, 20 और 50, 40 और 20, 40 का। ठीक है, एक्चुअल में 40 वाले सर्कल की जरूरत नहीं है, मैं आप बताता हूँ क्यों नहीं जरूरत। क्योंकि छोटे सर्कल के लिए हाँ, छोटे सर्कल के लिए 6 का डाया है उसका और 40 के उसके ऊपर बना हुआ है ना। यहाँ पे एक कमांड है हमारे पास, बोल्ट सर्कल। बोल्ट सर्कल। बोल्ट सर्कल में हम डायमीटर डाल सकते हैं 40, और हमारे को नंबर ऑफ आइटम्स कितनी चाहिए 8, और डायमीटर कितना चाहिए 6। ठीक ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, तो तो हमारे को 40 वाला बनाने की जरूरत ठीक है। नहीं। सपोज करो मैंने बना भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होम में जाके मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा और यहां से इसकी लाइन टाइप मैं चेंज कर सकता। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा सा ठीक लगेगा। ठीक उसके बाद हमारे को एक रेक्टेंगल दिया हुआ है 100 बाय 80, तो वायर फ्रेम 100 बाय 80। ठीक इसको हम सॉरी, रोटेट करेंगे। हाँ ठीक है, पर रोटेट करने से पहले मैं इसको ऑफसेट कर लूंगा। कितना है ये, 70 बाय 90, तो 5 mm हो गया। इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। ठीक है, रेडियस है इसके अंदर 10 का, बाहर 15, तो फिल इट 10, ओके 15, है मैं फिल इट लगा के भी ऑफसेट कर सकता था, कोई ठीक दिक्कत नहीं। तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम इसको, रोटेट, हमारे को सिर्फ मूव करना है एंगल बिटवीन इज 15, नंबर ऑफ आइटम 1। ठीक हो गया, ठीक सारे को नहीं सिलेक्ट करना, अंदर वाले होल्स को नहीं सिलेक्ट करना। है। हाँ ठीक उसके बाद हमारे पास है 80 बाय 120। मैं लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि 80 बाय 120 का रेक्टेंगल अगर मैं बनाऊं वन बाय ठीक 120, ठीक है,
तो फायदा क्या होता है कि हम सर्कल बना सकते हैं 10 डायमीटर का। ठीक है, तो सर्कल लेंगे, 10 का डायमीटर देंगे और लॉक कर देंगे। यहां पे भी चाहिए, यहां पे भी चाहिए, यहां पे भी चाहिए। लाइंस का काम खत्म। बिल्कुल, डिलीट कर लेगा। राइट क्लिक करो, क्लियर। ठीक है, अभी मैं ठीक इसको मशीनिंग करना चाहता हूँ, और मैं अभी सॉलिड नहीं बनाऊंगा। पिछली बार हमने क्या किया था, एक्सट्रूड कर दिया। एक्सक्लूड कर दिया था। अब की बार हम थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। हम आउटपुट जो है वो बनाएंगे, उसको प्रोग्रामिंग करके। ठीक है। हमारे को ये मॉडल चाहिए प्रोग्रामिंग करके से। ठीक और ठीक है। है, तो उसके लिए हमारे को क्या क्या चीज करने की जरूरत पड़ेगी वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन ले लेते हैं और इसके अंदर स्टॉक ले लेते हैं। ओके। अभी स्टॉक में कुछ आया नहीं, क्योंकि 3D ऑप्शन है नहीं इसके अंदर। ठीक है। तो हमारे को ये कैलकुलेट करके देख सकता हूं मैं, 100 बाय 150 है ये, और 20। इसकी थिकनेस है 20, ठीक 100, 150 एंड 20। तो हम यहाँ पे वैल्यू खुद से भी भर सकते हैं। और 100, इधर बाउंडिंग बॉक्स में 150 एंड ट्वेंटी 100। ठीक है, 100, 150 एंड 20। ओके, तो या ओके। ये एक तरीके से हमारे पास रॉ मटेरियल है। ठीक है। पर एक गलती और है कि ये जो स्टॉक हमारे को चाहिए ये ओरिजिन्स में नहीं चाहिए, सेंटर ये में हमारे को टॉप टॉप, में हाँ ऐसे चाहिए। यहाँ पे चाहिए, करता हूं तो नीचे जा रहा है ना, हाँ 20 को